शाजिल के जाने के बाद मुलाजमा ने घर के सारे काम खत्म कर लिए वो जरी का इंतजार कर रही थी लेकिन जब जरी बाहर नहीं आई तो मुलाजमा खुद ही उसके कमरे की जानब चल दी दरवाज़ा लॉक नहीं था इसलिए मुलाजमा ने बजाने की बजाय खोल दिया तो सर्द हवा का झोंका उसके जिसम से टकराया कि उसके होंठ कप, कप आने लगे हिम्मत करती अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एसी फुल था ज़री की जानी बड़ी जो बिना किसी कम्फर्टर के सोई हुई थी ज़री बीबी मुलाजमा ने उसे हिलाया तो ज़री के कपड़े गीले थे ज़री बीबी क्या हुआ आपको मुलाजमा ने उसे हिलाते हुए कहा जरी में कोई जुम्बिश नहीं हुई उसका जिसम ठंडा होने के साथ साथ अकड़ा हुआ भी था मुलाजमा ने ए बंद किया और उसके बाद ज़री के कपड़े तब्दील करवाए हीटर ऑन किया और ज़री को गर्म बिस्तर में लेटाया गरमाइश मिलते ही जरी के आवास लौटने लगे मुलाजमा जल्दी से उसके लिए कोई नर्म गिजाब बनाती और उसे बमुश्किल खिलाने के बाद उसे दवा दे चुकी थी अब आप आराम करें मैं शाज़िल साहब को फ़ोन करती हूँ नहीं कि कि किसी को नहीं बताना ज़री ने बमुश्किल कहा लेकिन ज़री भी, भी आपकी तबीयत इतनी ख़राब है वो आपको किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे किसी को नहीं बताना मैं ठीक हूँ किसी को नहीं ज़री गर में जाते हुए बोल रही थी और मुलाजमा परेशानी से उसे देखे जा रही थी जरी ने ऐसा क्यों किया उसकी दास्तान जरी के जिसम से उठती शाजिल की खुशबू खुद सुना रही थी मुलाजमा उसके कमरे का दरवाजा बंद करते हुए चली गई जबकि जरी दरवाजा बंद होने की आवाज पर आंखें खोलकर रात का गुजरा हर लम्हा सोचते हुए एक नई अजियत से दो चार हो रही थी फजर के वक्त ही उस कमरे में आ गई थी वो और आते ही वॉशरूम में शावर के नीचे कपड़ों समेत खड़ी होकर जरताशा से किए हुए वादे के टूटने का सोग मनाती रही थी इसके बाद कमरे का एसी फुल चलाकर खुद गीले कपड़ों समेत ही बेड पर गिर पड़ी गीले कपड़े और ऐसी की ठंडक उसके हवास जमा रहे थे और फिर वो ना जाने किस वक्त बेहोश हुई और कितनी देर रही ये उसे खुद भी नहीं पता था शाजिया आफ्ताब और शाज़िल घर आए तो मुलाजमा ने दोनों को पानी दिया जरी किधर है शाजिया आफ्ताब ने पानी पीने के बाद मुलाजमा से पूछा जी अपने कमरे में आराम कर रही है मुलाजमा ने बताया इस वक्त क्यों आराम कर रही है तबीयत ठीक है उसकी शाजिया आफताब ने शाजिल की तरफ़ देखते हुए पूछा नहीं जी तबियत ठीक नहीं है उनकी मैंने दवाई वग़ैरह दी है तो अब वो आराम कर रही हैं लेकिन अचानक तबीयत कैसे ख़राब हुई रात तक तो ज़री बिल्कुल ठीक थी मेरी बात हुई थी उससे शाजिया आफ्ताब और शाज़िल ज़री के कमरे की जानी बढ़ते हुए परेशानी से बोली शाजिल साहब के जाने के बाद जब मैं उनके कमरे में गई तो उनके कमरे का एसी फुल था और वो गीले कपड़ों समेत बेड पर लेटी थी मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं नीम बेहोशी में भी वो अपने से किसी को भी बताने से मना कर रही थी मुलाजमा ने तफसील बताई जबकि शाजिया आफ्ताब और शाजिल एक दूसरे की जानब हैरानगी से देख रहे थे शाजिल ये क्या कह रही थी तुम्हारी और जरी की कोई बात हुई है क्या जब मुलाजमत चली गई तो शाजिया आफ्ताब ने शाजिल से पूछा ममा जान हमारा किसी बात पर कोई झगड़ा नहीं हुआ इन फैक्ट मैं और गुल शाज़िल आधी अधूरी बात से शाजिया आफ्ताब को समझा गया था आप प्लीज़ देखें मैं अगर उनके सामने गया तो उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए शाजिल कहता हुआ वहां से चला गया जबकि शाजिया आफ्ताब के चेहरे पर बहुत ही पुरसकून मुस्कुराहट थी शाज़िल अपने कमरे में दाखिल हुआ तो गाड़ी की चाबी और कोट फेंकने के से अंदाज़ में बेड पर फेंके और ख़ुद भी वहीं लेट गया ये मैंने क्या कर दिया मैं बात करने गया था उनसे और ये सब शाजिल का दिल बेताब सा हुआ था गुल क्या सोच रही होगी मेरे बारे में सीधा बैठते हुए शाजिल ने खुद से कहा उफ अल्लाह जी ये सब नहीं होना चाहिए था दिमाग ने कहा कोई बात नहीं ये हक था गुल का दिल ने कहा लेकिन अगर उन्होंने अब मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो दमाग ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो कभी भी इनकार नहीं करेंगी दिल ने कहा और जरताशा का क्या दमाग ने कहा ज़रताशा भी तो यही चाहती थी दिल ने फिर सफाई दी मजाक अच्छा है वैसे तुम भूल रहे हो कि जरताशा ने तुमसे से जुरेज और ज़री के रिश्ते के मुतालिक बात की है उसका क्या दिमाग ने फिर कहा जो भी कहा है लेकिन अब इतना सब हो जाने के बाद मैं गुल को अपने आप से अलग नहीं कर सकता देखा जाएगा शाजिल ने ख़ुद से कहा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया शाजिया आफ्ताब दिल ही दिल में अपनी अजीज़ जान बहन के सामने सुरखरू होती कमरे में दाखिल हुई तो ज़री बेड पर लिहाफ लिए लेटी थी बुखार अब भी था जिसकी वजह से रुखसार तम तमा रहे थे ज़री मेरी जान शाजिया आफ्ताब ने प्यार भरी लहर उसकी पेशानी पर सब्त की तो ज़री ने आधी बंद और आधी खुली आंखों से शाजिया आफ्ताब की जानब देखा तबीयत कैसी है मेरी बेटी की शाजिया आफ्ताब ने उसके बाल सहलाते हुए कहा तो जरी की आंखों से नमकीन पानी बहने लगा रोते नहीं मेरी जान तुम्हारी मम्मा है ना तुम्हारे पास शाजिया आफ्ताब ने उसे मान बख्शा था जिसकी वजह से जरी के रोने में और शिद्दत आ गई वो शाजिया आफ्ताब के गले लगी रोती रही और शाजिया आफ्ताब ने भी उसे नहीं रोका बस जरी अब और नहीं रोना बस मेरी जान शाजिया आफ्ताब उसकी कमर को सहलाते हुए बोली ममा जान जरताशा से किया हुआ वादा टूट गया है ज़री ने रोते हुए कहा सारी रात जिस अजियत से वो गुजरी थी ये बस वही जानती थी मेरी बात सुनो जरी शाजिया आफ्ताब ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा यह होना किस्मत में लिखा था यह हक था तुम्हारा और इसमें किसी भी वादे का कोई अमल दखल नहीं रही बात जरताशा की तो वो भी यही चाहती थी उसकी वजह से तुम परेशान ना हो तुम्हें पता है ज़री आज मैं अपनी नाजी के सामने सुरखरू हो गई ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत खुश है आज तुम्हारा हक़ अदा हो गया है ज़री शाजिया आफ्ताब की गोद में सर रखे खामोशी से आंसू बहा रही थी और शाजिया आफ्ताब उसके बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए उसे जहनी सकून पहुंचा रही थी और वो न जाने कितनी देर वैसे ही लेटी रही और आखिरकार नींद की देवी उस पर मेहरबान हो ही गई थी अगले कई दिन गुज़रने के बाद भी एक ही घर में रहते हुए ज़री और शाज़िल की मुलाकात नहीं हुई थी मुलाकात तो दूर की बात आमना सामना तक ना हुआ था क्योंकि जिस टाइम शाज़िल घर पर होता ज़री अपने आप को नज़र बंद कर लेती थी शाजिल ज़री को स्पेस दे रहा था इस वाकये से वो मेंटली डिस्टर्ब हुई थी तो शाजिल उसके रवैये पर ख़ामोशी इख्तियार कर लेता था बहरोज ख़ान की तबीयत काफ़ी बेहतर थी जिसकी वजह से ज़रताशा और जरनाब आज घर वापस आई थी जिसकी वजह से घर में छाई हुई खामोशी में हलचल सी मची थी जरी के चेहरे पर छाई पुजमुर्दगी में भी कमी आई थी और चेहरे पर एक छोटी सी नर मुस्कुराहट छाई वो जरनाब के साथ मसरूफ़ थी जब शाजिल भी उसी रूम में आ गया इतने दिनों बाद शाज़िल जरी को देख रहा था लेकिन ज़री ने एक नेकाहे गलत भी उस पर डालना गवारा नहीं किया वो भी खामोशी से शाजिया आफ्ताब के पास सोफे पर बैठ गया मामा जान मैं इतने दिनों बाद आई हूँ क्या मुझे लग रहा है कि जरी कमज़ोर हो गई है जरताशा जो जरी और जरनाब के पास बैठी थी जरी को देखते हुए बोली तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए कमज़ोर हो गई है शाजिया आफ्ताब ने भी तयद की तबीयत भी किसी जहनी टेंशन की वजह से ही ख़राब होती है ना क्यों जरी तुम्हें तो क्या टेंशन है जरताशा की बात पर ज़री का यकलक रंग मुतैर हुआ रिज़ल्ट की टेंशन तो नहीं ले रही हैं आप गुल मेरा मतलब जरगुल शाज़िल ने उसकी रंगत को देखते हुए कहा तो ज़री ने शिकवा कुना नज़र शाजिल पर डाली वो जो पहले ही उसे देख रहा था ज़री की नज़र पड़ते ही एक जवाब था जो सिर्फ ज़री ही समझ सकती थी शायद ज़री ने शाज़िल से नज़र हटाते हुए ख़ुद को कंपोज करते जवाब दिया चलो जी परेशानियों में एक और परेशानी का इजाफा हुआ ज़र ने मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में कहा अभी किसी ने भी जरताशा की किसी बात का जवाब नहीं दिया था कि जरी अचानक से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी और बेसन पर झुक कर उपकाइयाँ लेने लगी शाजिया आफ्ताब शाजिल और जरताशा भी परेशानी से उठे थे जरताशा उसके पीछे गई उपकाइयों से निढाल जरी को बमुश्किल संभालती वो बेड तक लेकर आई और बिठाया जरी तबीयत कब से ख़राब है जरताशा ने उसे पानी पिलाते पूछा काफ़ी दिनों से ख़राब जवाब शाजिया आफ्ताब की जानिब से आया मम्मा जान फिर तो हमें किसी डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए मैं तो पहले ही कह रही थी लेकिन ज़री नहीं मान रही शाजिया आफ्ताब ने ज़री को देखते हुए कहा नहीं मैं ठीक हूँ जरी की भी निढाल सी आवाज़ सुनाई दी मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ तुम चली जाना साथ शाजिल ने भी ज़री की वजह से परेशानी से कहा शाजिल तुम्हें पता तो है जरनाब मदर फीड करती है तो ताशा ज़री के साथ कैसे जाएगी शाजिया आफ्ताब ने कहा तो ठीक है शाज़िल आप ज़री के साथ चले जाइएगा जरताशा ने हल ढूंढते हुए कहा जो ज़री को बिल्कुल पसंद नहीं आया शाज़िल के साथ साथ शाजिया आफ्ताब ने भी जरी के तासुरात देखे ज़री को संभालने के लिए भी तो किसी को साथ जाना ज़रूरी है ना तो मैं साथ चली जाऊंगी शाजिया आफ्ताब ने कहा और उनकी तजवीज़ से ज़री को भी सुकून पहुंचा रात को न जाने कौन से पहर जरी के कमरे में सांस लेना मुश्किल हो रहा था उसका इसीलिए बालों की लंबी चोटी को रेशमी दुपट्टे से ढांपती हुई वो लॉन में चली आई ठंडी हवा उसके सुन दिमाग को तकवीत दे रही थी उसने लंबे लंबे सांस लेकर खुद को पुरसकून किया और लॉन में पड़ी चेयर पर बैठकर चांद को देखने लगी अगर जो वो सोच रही है वो हुआ तो मैं क्या करूँगी जरी ने खुद कलामी की थी अपनी तबीयत खराबी के पीछे छुपी वजह से कहीं ना कहीं वो वाकिफ से थी या पता नहीं क्या होगा जरी अब टहलते हुए सोच रही थी जरताशा के साथ किए हुए वादे का क्या होगा उसने दोनों हाथों में सर थाम लिया और अब उठकर टहलने लगी जरताशा का मान टूट जाएगा जरी कदम ब कदम चल रही थी पता नहीं क्या सोचेंगी वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा या अल्लाह मैं क्या करूं उसने अपना चेहरा आसमान की जानिब करते हुए कहा और आंखें बंद कर ली जरी को अपनी सांसों में बहुत ही खूबसूरत खुशबू महसूस हुई थी जरी ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की फिर अपने सर पर और इर्द गिर्द गर्म शॉल का लम्स महसूस हुआ था अपने कंधों पर किसी के हाथों का बढ़ता हुआ दबाव महसूस हुआ और फिर उन हाथों ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा जरी की आंखें अब भी बंद थी लेकिन वो बंद आँखों से ही खुशबू से ही पकड़ने की नरम गरीब से पहचान गई थी कि सामने वाला कौन है अगर आपको ठंड लग जाती तो शाजिल ने अपने गर्म हाथों से उसका चेहरा छू बहुत मोहब्बत से कहा अंदर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी जरी दूर होते हुए बोली और वहाँ से जाने लगी जब शाज़िल ने उसकी कलाई थामी और खुद से लगाया उसे आपका मुझे यूँ नजरअंदाज करना कितनी अजियत में मुबतला करता है मुझे उसके गर्द अपनी गरिफ मजबूत करते शाज़िल बोल रहा था और ज़री उसके साथ लगी खामोश खड़ी थी जब उनके दरमियान एक बाल बराबर भी पर्दा नहीं रहा तो यूं से खुद से दूर करना बेमाई नहीं था कुछ तो बोले गुल उसको अपनी गरिफ से आज़ाद करता उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर वो पूछने लगा कुछ कहने के लिए बाकी ही नहीं है जरी की आवाज़ में मौजूद दर्द शाज़िल को बहुत चुभा था मैं आपके पास हूँ मुझसे कोई भी बात करें मैं आपकी हर बात सुनूंगा किले शिकवे शिकायत मैं सब सुनने को तैयार हूँ लेकिन कुछ तो कहें कुछ खाम यूं खामोश ना रहें आपकी खामोशी किसी कारी खंजर की तरह लगती है शाजिल की आवाज़ में भी कुर्ब था जरी कुछ भी कहे बगैर उसके सीने से अपना सर रख गई उसके सीने पर अपना सर रख गई शाजिल को अपनी कमीज सामने से भीगती हुई महसूस हुई ये खामोशी नाराज़गी गिला सभी कुछ था जो ज़ुबान से नहीं बल्कि ज़री के अमल से बताया जा रहा था शाजिल ने भी कुछ भी कहे बगैर उसके गर्द हिसार बांध दिया उसे खुद से लगाए उसकी खुशबू में बसी उसकी मोहब्बत और पूरा चाँद सब बहुत खूबसूरत था लेकिन उसी चांदनी में दूसरी मंजिल पर बने कमरे की खिड़की का दरवाज़ा खुला हुआ था वहाँ से उन्हें देखता एक ह्योला भी उन दोनों को देखने के बाद पूरे चाँद की रोशन रात को देख रहा था शाजिया आफ्ताब और शाज़िल ज़री को लेकर चेकअप करवाने के लिए जा चुके थे जबकि जरताशा जरनाब के साथ मसरूफ़ थी मुलाजमा को उसने ज़री के कमरे की सफाई के लिए बोला था इसीलिए वो अपना काम कर रही थी बीबी जी ये शाज़िल साहब के कफ़ लिंक्स मुलाजमा ने जरताशा के सामने हाथ किया जिसमें कफलिंग्स थे ये तो सुबह शाजिल मांग रहे थे मुझसे मुझे ढूंढने से भी नहीं मिले तो मैं कहाँ से मिले जरताशा उन्हें पकड़ते हुए बोली ये जरी बीबी के कमरे से मिले हैं मुलाजमा ने बताया शाजिल के कफ लिंग्स ज़री के कमरे में कैसे गए वो शाज़िल साहब थोड़े दिन पहले ज़री बीबी के कमरे में रुके थे तो ये उधर उतारे होंगे शाजिल ज़री के कमरे में थे तो ज़री कहाँ थी उस रात को मैंने उन्हें अपने कमरे में जाते देखा था लेकिन सुबह जब मैं आई तो वो दूसरे कमरे में थी ठीक है तुम जाओ जरताशा ने कहा और वो सर हिलाती चली गई जबकि जरताशा हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासुरात से अपने हाथों में पकड़े कफलिंग्स को देख रही थी न जाने क्या कुछ जरताशा के दिमाग में चल रहा था शाजिल की जरी को लेकर उसकी फिक्र करना उसकी इतनी केयर करना जरी को शाजिल का इग्नोर करना कल रात ज़री और शाज़िल को लॉन में इतने क़रीब खड़े देखना जरवा की बातें जुरेश की पसंदीद की ज़रताश जरताशा ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया और गहरा सांस लेकर ख़ुद को पुरसकून किया तमाम तर सोचों को झटकती वो जरनाब की तरफ मुतवज्जो हुई हालांकि ये काम बहुत मुश्किल था अब जरी के मुकम्मल टेस्ट करवाने के बाद शाज़िल जरी और शाजिया आफ्ताब दोनों को घर ड्रॉप करके ऑफिस जा चुका था शाजिया आफ्ताब के चेहरे पर एक खुशी की चमक थी जिसे वो जरी की वजह से छुपाए हुए थे और आते ही जोर की नमाज़ पढ़ने चली गई जबकि जरताशा जरनाब को सुलाने के बाद ज़री का सूप लिए उसके कमरे में दाखिल हुई तो जरी आराम कर रही थी जरी उठो सूप पी लो फिर दवाई भी लेनी है जरताशा उसे उठाते हुए बोली जरताशा रहने देती आप जरी उठ बैठ गई थी क्यों भाई तुमने मेरी इतनी खिदमत की अब मेरा भी हक़ बनता है ना कि के तुम्हारी केयर करूं जरताशा ने उसे सूप पिलाते हुए कहा तो मैंने आप पर एहसान थोड़ी किया था जो आप मेरी खिदमत करके वापस कर रही हैं उसे ज़री अगर मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूं ना तो भी मेरी सारी जिंदगी की खिदमत और तुम्हारी एक दिन की केयर की हमसरी नहीं हो सकती जरताशा उसे सूप पिला रही थी और जरी को जरताशा से आंखें मिलाना मुहाल हो गया था आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं जरताशा बिल्कुल नहीं मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था बल्कि ये याद दिलाना था कि तुम्हें कि तुम मुझे बहुत अजीज़ हो और तुम्हारी फिक्र करना मेरा फ़र्ज भी है और ज़िम्मेदारी भी जरताशा ने मुस्कुराते हुए कहा शुक्रिया जरताशा मुझे इस कदर मोहब्बत देने के लिए जरी ने उसके हाथ थामते हुए कहा यह शुक्रिया ना बोला करो गैर गैर सा लफ्ज लगता है अच्छा ठीक है नहीं बोलती और कुछ सूप पीने के बाद दवाई खा लेना और आराम करो जरताशा ने उसे ताकीद की और चली गई जबकि जरी ने उसकी को धुंधलाई आंखों से देखा था रात का काम मुकम्मल करने के बाद जरताशा कमरे में दाखिल हुई तो शाजिल बेड पर बैठा जरनाब के साथ मसरूफ था जरताशा भी खामोशी से कपड़े चेंज करके बेड पर जाकर लेट गई शाजिल ने जरताशा की खामोशी महसूस की थी जरनाब को अपनी गोद में लेता वो जरताशा की जानब मुतवज हुआ ताशा क्या बात है तबीयत ठीक है तुम्हारी शाजिल ने उसका रुख अपनी जानब करते हुए पूछा ठीक हूँ लाएँ जरनाब को सुला दूँ जर ताशा ने उसे दो लफ्जी जवाब से मुतमयन किया और जरनाब को अपनी गोद में लेकर थपकने लगी अचानक पकड़ने पर जरनाब रोने लगी आराम से ताशा क्या हो गया है शाजिल ने जरनाब को रोते देख कर कहा जो शाजिल की जानबी लपक रही थी जर ताशा ने शाजिल की बात अनसुनी करते रोती जरनाब को मजीद ज़ोर से झुलाना शुरू किया आशा इधर दो क्या कर रही हो शाज़िल ने उससे जरनाब को लेने की कोशिश की क्या है शाजिल सोना है इसने इसलिए रो रही है जर ताशा का लहजा भारी सा था ऐसे सोएगी वो दो मुझे शाजिल ने उससे जरनाब को लिया और ख़ुद प्यार से उसे थपकने लगा कुछ ही वक्त बाद सरनाब सो गई तो शाजिल ने उसे बेड पर लिटा दिया और जरताशा की जानब मुतवजो हुआ जो अपना रुख मोड़े बैठी थी मूड क्यों ऑफ है शाजिल उसके सामने बैठते हुए बोला तो जरताशा ने उसे देखा मेरा मूड सही है नींद आ रही है मुझे जरताशा ने बेरुखी से कहा और लेटने लगी थी जब शाजिल ने उसे नरमी से पकड़ कर दोबारा बिठाया और उसके हाथ पकड़ लिए क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें शाजिल ने पूछा कोई बात नहीं जरताशा उसको देखने से गुरेज कर रही थी अच्छा तो यही बात मेरी आंखों में देख कर कहो शाज़िल ने उसकी ठोरी से पकड़ कर चेहरा ऊपर किया जुरेज़ और बाबा ने मुझसे आज दोबारा बात की है जरी के मुतालिक जरताशा ने परेशान होने की वजह बताई तो शाज़िल खामोश हो गया मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या जवाब दूँ मैं ज़री से बात नहीं कर सकती और आप बात कर नहीं रहे शाजिल जुरेज़ मेरा इकलौता भाई है उसकी खुशी मेरे लिए हर चीज़ पर मुकदम है और दूसरी तरफ जरी है जो मुझे बहुत अजीज है आप उससे बात तो करें हाँ करें या इनकार ये उसकी मर्जी होगी हम में से कोई भी उसे फोर्स नहीं करेगा जरताशा की बातें शाजिल खामोशी से सुन रहा था और कुछ भी कहे बगैर वो कमरे से बाहर चला गया और जरताशा बेड पर लेकर अपनी आंखों पर बाजू रख गई ज़री अपने कमरे में बेख़बर सोई हुई थी कि उसे अपने चेहरे पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ तो ज़री ने आंखें खोली सामने शाज़िल उसके चेहरे पर झुका था और उसके चेहरे पर बालों की आई लटों को पीछे कर रहा था ज़री फौरन उठ बैठी शाज़िल इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं ज़री ने टाइम देखा तो घड़ी ग्यारह बजा रही थी लेकिन शाज़िल खामोश नज़रों से उसे देख रहा था खुदा का वास्ता है आपको शाजिल चले जाएँ यहाँ से अगर जरताशा ने आपको मेरे कमरे में देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगी आपसे बात करनी थी कुछ इसलिए आया हूँ शाज़िल ने संजीदगी से कहा इतनी रात को आपको क्या बात करनी है मुझसे हम सुबह भी तो बात कर सकते थे जरी बार बार अद खुले दरवाजे को देख रही थी और कह रही थी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है आप अपने शोर के साथ हैं किसी गैर के साथ नहीं शाजिल अच्छा ठीक है आप बोलें आपको क्या कहना है जरी ने शाजिल की हद दर्जा संजीदगी को देखते हुए कहा मैं उस रात भी आपसे यही बात करने आया था लेकिन बात हो नहीं सकी क्योंकि मैंने आपको मौका ही नहीं दिया जज बात की रो में बह कर इतना बोल्ड स्टेप ले लिया लेकिन मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं आप मेरी बीवी हैं आप पर मेरा पूरा इख्तियार है अब आप ये सोच रही होंगी कि यही इख्तियार मुझे दो साल पहले क्यों नहीं दिया तो गुल मेरे दिल में पहले कभी ये बात आई ही नहीं कि मैं खुद से आपको दूर करूंगा दिमाग ने ये बात हज़ारों मरतबा सोची लेकिन दिमाग भी हमेशा आपकी साइड लेता था आपकी खुशी को अवलिन तरजीह देता था शाजिल ठहर ठहर कर बोल रहा था और ज़री चेहरा झुकाए उसकी बातें सुन रही थी लेकिन अब भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं आपके सामने दो ऑप्शंस रखना चाहता हूं इन दोनों में से आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना है नंबर एक आप मेरे पास रहें मेरे साथ रहें मेरी वजह से आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी रही जरताशा की बात आप मेरे और जरताशा के दरमियान नहीं आएंगी और जरताशा हम दोनों के दरमियान नहीं आएगी ये मेरा वादा है आपसे शाज़िल ने उसकी तरफ़ देखा और अब वो अब भी चेहरा झुकाए बैठी थी नंबर दो अगर आप मुझसे खुला लेना चाहती हैं तो ठीक है मैं आपको खुला दे दूँगा लेकिन उसकी एक शर्त है मुझसे खुला लेने के बाद आपको जुरेज से शादी करनी होगी वो बहुत अच्छा लड़का है और केयरिंग भी आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगी आपका जो भी फ़ैसला होगा मुझे मंजूर होगा शाजिल ने दोबारा नज़र जरी पर डाली जो शिकवा खुना नज़रों से शाजिल को देख रही थी हेज़ल आंखों से आंसू झल मिला कर गिर रहे थे बोले गुल आपका क्या फैसला है शाजिल ने उसे बोलने पर उकसाया शाजिल मेरी जिंदगी के फैसले आज तक दूसरों ने ही किए हैं आपसे निकाह का फैसला आपके साथ रहने का फ़ैसला आपसे दूरी ना रखने का फ़ैसला आपकी खुशियों में खुश होने का फ़ैसला आपके दुख में दुखी होने का फैसला या आपकी कुर्बत में जाने का फ़ैसला ये आज तक आप लोगों ने ही डिसाइड किया है तो ये फैसला भी आप लोग ही कर लें मेरी डोर आप लोगों के हाथ में है जिस तरफ डोर को हरकत देंगे मैं उसी तरफ मुड़ जाऊँगी जरी बोलती हुई आंसू भी साफ कर रही थी और शाजिल दुख से उसे देख रहा था अब ये मत समझिएगा कि मैं आपसे कोई शिकवा कर रही हूँ बल्कि इतना बताना चाहती हूँ कि मैं भी शायद इंसान हूँ कुछ ऐसा साथ कुछ जज्बात मेरे भी हैं मौसम मुझ पर भी असरअंदाज होते हैं मैं आपसे खुला नहीं चाहती और आपके साथ रहना भी नहीं चाहती मेरा दिल करता है मैं किसी ऐसी जगह पर चली जाऊं जहां मुझ पर कोई भी हुक्म चलाने वाला ना हो सिवाय उस खुदा की ज़ात के जहां मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले मैं खुद कर सकूं मतलब आप हमेशा की तरह फरार चाहती हैं लेकिन गुल कुछ बातों में फरार ला होता है मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा आपका जो भी फैसला हो लेकिन मेरी जिंदगी में आपकी जगह हमेशा रहेगी शाजिल उसकी पेशानी पर भोसा देते हुए बेड से उठ गया आपका इंतजार ला हासिल होगा शाजिल जरी ने उसकी तरफ़ देखते हुए कहा शाजिल ने एक नज़र उसे देखा और कुछ भी कहे बगैर कमरे से बाहर चला गया जबकि ज़री अपना सर हाथों में थाम कर बैठ गई सुबह शाजिल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब जरताशा कमरे में दाखिल हुई शाजिल जरताशा ने पुकारा शाजिल ने टाई बांधते हुए मसरूफ़ से अंदाज में कहा आपने जरी से बात की थी जरताशा ने उसके हाथ में टाई पकड़ी और खुद बांधने लगी हाँ की थी फिर क्या कहा जरी ने इनकार कर दिया है गुल ने शाजिल ने वॉच पहनते हुए कहा लेकिन क्यों जरताशा ने हैरानगी से पूछा मुझे नहीं पता तुम्हारे कहने पर मैंने उनसे बात की उन्होंने मना कर दिया तो अब मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि तुम में से कोई भी उन्हें प्रेशराइज करे शाजिल का लहजा किसी भी तरह के जज्बात से आ रही था शाजिल लेकिन इनकार करने के लिए वजह का होना भी तो ज़रूरी है ना जरताशा की हैरानी किसी तौर कम होने में नहीं आ रही थी ऑफिस से देर हो रही है इसके बारे में बाद में बात करेंगे शाजिल कहता हुआ चला गया उसे जरी से इनकार की उम्मीद नहीं थी उसे जरी से इनकार की उम्मीद नहीं थी जोरेज़ एक सुलझा हुआ साफ दिल का लड़का था जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती थी जरताशा भी सोच ही रही थी कि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी जरताशा ने देखा तो जरवा आपकी कॉलिंग लिखा था जरताशा ने फ़ोन उठाया और बालकनी में चली गई जरताशा जरवा का फ़ोन अटेंड करती हुई बोली थी असलम आपी जरताशा ने ख़ुद को नॉर्मल करते हुए कहा अस्सलाम कैसी हो ताशा और जरनाब कैसी है जरवा ने फ़ोन स्पीकर पर डाले हुए बात करना शुरू की थी साथ साथ वो नाश्ता भी बना रही थी सब ठीक है जरताशा ने जवाब दिया क्या हुआ गुस्से में लग रही हो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है चलो मान लेते हैं अच्छा ये बताओ जुरेज़ के मामले में तुम लोगों ने जरगुल से बात की या नहीं ज़रवा ने पूछा इनकार कर दिया है उसने ताशा ने मायूसी से कहा लेकिन क्यों ताशा पता नहीं लेकिन ताशा जरगुल ने किस बात पर इनकार किया है ज़रवा ने परेशानी से पूछा क्योंकि वो जुरेज़ की आंखों में जरी के लिए जज्बात देख चुकी थी मुझे लगता है उसे जरीज़ पसंद करता है लेकिन वो जुरेज़ को नहीं क्योंकि जब भी मैंने उन दोनों को साथ देखा जर जरी के चेहरे पर हमेशा ही संजीदगी देखी और जोरेज़ से फ़ासला भी ज़रताशा सोचते हुए बोली लेकिन अब क्या होगा ताशा मैंने जुरेश की आंखों में ज़री के लिए मोहब्बत देखी है पता नहीं आपी लेकिन जो भी है मैं ज़री को प्रेशराइज नहीं कर सकती जरगुल को समझाओ शायद वो समझ जरवा की बात जरी ने काटी नहीं आपी मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती उसका हक़ था अगर वो नहीं चाहती मैं मामा या शाज़िल उसे प्रेशराइज नहीं करेंगे और वैसे भी शाजिल ने मना कर दिया है ने बताया ताशा मुझे समझ जरवा अचानक पीछे मुड़ी और जुरेज़ को खड़ा पाया जुरेज तुम यहाँ जरवा ने घबराते हुए कहा जो लट्ठे की माने सुफैर चेहरा लिए जरवा को देख रहा था जैसे अपनी समात पर उसे यकीन ना आया हो जुरेज बात सुनो मेरी जरवा ने कहा बात ही तो खत्म हो गई है आपी जरगुल ऐसा कैसे कर सकती हैं मैंने तो आज तक उन पर एक भी निकाह गलत नहीं डाली बल्कि हमेशा उनकी इज्जत की है जुरेज़ के लहजे से कुर्ब झलक रहा था जरवा की कई आवाज़ें भी उसे नहीं रोक वो कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया हेलो आप ही क्या हुआ है जरताशा भी जुरेज़ की मौजूदगी से परेशान हुई थी जरताशा की जान निकली जा रही थी आपी, आपी क्या आप ही आप लाइन पर हैं क्या हुआ है ताशा जुरीज़ ने सब कुछ सुन लिया पता नहीं कहाँ चला गया है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी जरवा के आंसू बेख्तियार छलक पड़े थे और जरदाशा शाह ब मुश्किल रीलिंग को थामे खड़ी थी आप परेशान ना हो मैं मैं कॉल करती हूँ उसे जरताशा ने उसे तसल्ली दी अपने आप को ये वो खुद भी नहीं जानती थी कॉल बंद करते ही उसने परेशानी से न जाने कितनी कॉल्स की जुरेज़ को लेकिन जुरेज़ फ़ोन नहीं उठा रहा था या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना जरताशा ने ने दुआ की थी जुरेज़ उनका इकलौता और लाडला भाई था जिसकी हर ख्वाहिश उन्होंने पूरी की थी कांपते हाथों से शाजिल को वो कॉल करने लगी हेलो शाजिल जरताशा रोते हुए सब कुछ शाजिल को बता गई शाजिल भी परेशान हुआ और कॉल बंद करता जरेज की तलाश में निकल गया और जरताशा रोते हुए दुआई मांगने लगी फिर एकदम गुस्से से उठी और बाहर निकल गई जरी शाजिया आफ्ताब को नाश्ता करवाने के बाद मेडिसन दे रही थी जब जरताशा ने उसे अपनी तरफ झटका देकर मोड़ा जरी को अपने बाई जानी पेट में दर्द की एक लहर महसूस हुई थी बेख्तियार उसका हाथ अपने पेट पर गया तुमने जोरेज़ से शादी से इनकार क्यों किया है जर ताशा के इस तरह खींचने पर ज़री ने ब मुश्किल खुद को गिरने से गिराया था आराम से ताशा बेटे क्या हो गया है शाजिया आफ्ताब ने उसे कहा इससे पूछे मामा। इसने जुरेज़ के साथ निकाह से क्यों इनकार किया है जरताशा ने शाजिया आफ्ताब को जरी की जानब इशारा करते हुए कहा जरि हैरान परेशान खड़ी थी ताशा ये बातें गुस्से में करने वाली नहीं हैं शाजियाफ्ताब ने तहमुल से जवाब दिया रात को ज़री से बात करने से पहले शाज़िल ने शाजिया आफ्ताब से मुख्तरा बात की थी नहीं ममा जान इसने इनकार क्यों किया आखिर क्या कमी थी मेरे भाई में ज़रताशा ऐसी कोई भी बात नहीं है ज़री ने अपनी सफाई पेश की तो फिर कैसी बात है ज़रताशा का लहजा तेज़ था जरी खामोश खड़ी रही बोलो जरी जरताशा आप इस वक्त गुस्से में हैं हम बाद में बात करते हैं ज़री ने कहा एक बात मेरी याद रखना ज़री अगर तुम्हारी वजह से मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी जरताशा ज़री को अंगोश दिखाते हुए बोल रही थी क्या हुआ है जुरेज़ को शाजिया आफ्ताब ने परेशानी से कहा मैं आप ही को जरी के इनकार के बारे में बता रही थी फ़ोन स्पीकर पर था आप ही को पता नहीं चला और हमारी बातें जुरेज़ ने सुन ली और पता नहीं कहाँ चला गया घर छोड़कर फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा जर ताशा रोते हुए बताने लगी तो ताशा बेटे इसमें ज़री की तो कोई गलती नहीं है शाजिया आफ्ताब ने प्यार से उसका हाथ सहलाते हुए कहा मुझे पता है मम्मा जान इसमें जरी की कोई गलती नहीं इसका हक़ था ये इनकार करती या इकरार लेकिन मम्मा जान ये कोई वजह भी तो नहीं बता रही है ना जरताशा जरी की जानब इशारा करते हुए बोली जो उसकी बात पर सर झुका गई ताशा बेटे जरी ने हमेशा कोशिश की कि तुम्हारे और शाजिल के दरमियान ना आए लेकिन ज़री अभी तक शाजिल के निकाह में है तो वो कैसे किसी और के बारे में सोच सकती है जबकि ज़री के वजूद में शाजिल के वजूद का हिस्सा भी पल रहा है शाजिया आफ्ताब ने जरी से किया वादा तोड़ डाला था जरताशा हैरानी से ज़री की जानब देख रही थी जो सर झुकाए आंसू बहा रही थी जरी ममा सच कह रही हैं जरताशा ने हैरानी से पूछा जरताशा मुझे पता है ये सब ठीक नहीं है लेकिन ज़री रोते हुए बोली थी जरिमा ठीक कह रही हैं या नहीं जरताशा ने दो टोक पूछा